ताहिर इलियास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अलमक्का सिलाई सेंटर। अगर आप नित नए डिज़ाइन की कटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। पेटी वाली चुंडों वाली फ्राक आज हम आपको सिलाई करके दिखाएंगे। ये देखें, ये इसकी अटल का कपड़ा है और ये ऊपर अटल की पेटी है। ये चुंटे डलेंगे इस तरीके से और ये नीचे इसकी घगरी का कपड़ा है और ये बाजू है, बाजू की चुंटे हैं। पहले सबसे पहले हम बाजू के ऊपर प्लेटें डालेंगे और फिर ये प्लेटें डाल के हम पेटी के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले हम बाजू लगाते हैं। ये है बाजू की मोहरी, इसके आगे हम प्लेट डालेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरे बाजू को प्लेट डालेंगे। फ्रिल तैयार हो गई। ये है फ्रॉक की नीचे वाली घघरी। सबसे पहले हम इसकी इस तरीके से अटल फोल्ड करेंगे। अटल फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर इस तरीके से प्लेट डालेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके हम इसके ऊपर प्लेट डालेंगे। ये देखें, ये हम नीचे घगरी की मोहरी को सिलाई लगा रहे हैं। पहले हम इस तरीके से जिस कपड़े में थोड़ी तिरछापन हो, उरेब हो, उसको पहले सिंगल सिलाई लगाते हैं ऐसे किनारे की। अब हम इसको दूसरी दफा फोल्ड करेंगे इस तरीके से। यूं ढीला ढीला रख के इसको फोल्ड करना है। ये देखें, इसका घगरी का नीचे वाला हिस्सा हमने फोल्ड कर लिया। अब प्लेटें अटैच करेंगे। ये देखें, अब हमने घगरी की चुंटों को तैयार कर लिया।
ये पेटी है, पेटी के नीचे हम अटल के ही सिलाई लगा रहे हैं यहाँ पे कटाओ के ऊपर। अब हम इसको कट करते हैं। अब हम इसकी सारी किनारे पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से अब हम बैक साइड तैयार करेंगे। ये देखें अब हम इस तरीके से इसके ऊपर रख के इस कटाव पे ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये देखें अब हम तीरे की सिलाई लगाने लगे हैं। सबसे पहले हम बटन टेक की पाइपिंग करेंगे।
ये देखें ये सीधी है, हम इसको ऐसे डबल करके सिलाई लगाएंगे। ये देखें ये हम डोरी, यहाँ से हमने डोरी बना ली ये सिलाई लगा के। अब हम इसके आगे ही इस तरीके से कपड़ा रखेंगे, गले के आगे पीछे हम पाइपिंग लगाएंगे इसी तरीके से। ये देखें ये डोरी डोरी के आगे हमने गिरा दी है। गिरा देने के बाद इस तरीके से हम यहाँ पे इसके आगे समोसा टाइप हुमन सा लगाएंगे। ये देखें इसको हमने सीधा किया, सीधा करने के बाद हमने इस तरीके से इसकी शेप कट कर देनी है। ये देखिए हमारा समोसा तैयार हो गया डोरी के साथ। ये देखें हमने डोरी भी साथ ही इसकी तैयार कर ली। इस तरीके से हम इसका बैक साइड पर फूल बना देंगे। ये इसकी बैक साइड है। अब हम इसके बाजू अटैच करेंगे। ये देखें ये अब हमने बाजू अटैच कर लिए। इसी तरीके से हम दूसरा बाजू अटैच करें। वीडियो ये देखें ये है 3 से 3.5 इंच चौड़ी हमारे पास पट्टी है। हमने इसको ऐसे डबल किया। डबल करने के बाद हमने यहाँ से थोड़ा सा इसको तिरछा कर देना है। इसकी दूसरी साइड को भी हमने इसी तरीके से तिरछा कर देना है। ये हमने तनिया लगानी है पेटी पर, जहाँ पे पेटी और घघरी की सिलाई लगी हुई उसके सेंटर में हम लगाएंगे, ताकि जितनी मर्जी बच्चे की फिटिंग हम कर सकें बांध कर डोरी तनियों को। ये देखें ये अब हमने सिलाई लगाई। अब हम इसको दो हिस्से कर देंगे, एक उस साइड पे आएगा और एक उस साइड पे आएगा।
तो इस तरीके से सीधा करेंगे इसमें डाल के। ये देखिए अब हम नेक्स्ट कटोरी को सीधा कर लिए। अब हम इसकी नोक निकालेंगे किसी सुई के साथ। ये देखें ये हमारी अब तनी तैयार हो गई। ये देखें ये हमने दोनों तनियां तैयार कर ली जो फ्रॉक के साइडों पे लगेंगी ताकि जितनी मर्जी बच्चे को फिटिंग हम डाल सकें। ये देखें अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाते हुए हम इसके अंदर देंगे एक तनी इधर देंगे और एक ये इधर देंगे ताकि बच्चे को जितना मर्जी हम बांध सकें। ये जॉइंट और ये जॉइंट आपस में हम मैच करेंगे। ये ज्वाइंट और ये ज्वाइंट आपस में हम मैच इस तरीके से करेंगे। ये देखें ये अब हम तनी इधर रखेंगे इस तरीके से अंदर वाली साइड पर और ऊपर हम ये वाला कपड़ा रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से अब हम दूसरी बाजू की सिलाई लगाएंगे। अब हम ये दूसरी साइड की बाजू की सिलाई लगा रहे हैं साथ ही फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। ये देखें ये अब हमने फिटिंग के अंदर तनिया डाली थी इसको इस तरीके से अब हम ऐसे टाइट करके भी बांध सकते हैं लूज करके भी बांध सकते हैं जितनी बच्चे की कमर के मुताबिक उतना हम इसको टाइट कर लेंगे या लूज कर लेंगे इस तरीके से हम इसको। ये देखिए बांध सकते हैं। ये है इसकी बैक साइड। ये है इसकी फ्रंट साइड।